हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त परम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर परम। दोस्तों, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो हम लुधियाना में आए हैं, लुधियाना की गलियों में, लुधियाना के बाज़ारों में, लुधियाना की बेस्ट लस्सी ढूंढने के लिए। तो आज हम आए हैं मॉल रोड पर। यहाँ पर आजकल हैं वो कार्ट लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं लस्सी का। दिस इज़ प्योरली पंजाबी ऑथेंटिक, जो ट्रेडिशनल अपना पंजाबी जी कही है, ट्रेडिशनल जो चाटी लस्सी होती है। आओ टेस्ट चेक कर दें किदा दी है इन्हों की लस्सी। अंकल पहला तो धन्यवाद जी, तुम मैं सू टाइम दिता अपना। अच्छा जी, पहला तो अपना नाम दस दौ जी। मेरा नाम जी अवतार सिंह है जी। अच्छा जी, अंकल किन्ने साल तो लगा रहे हो जी आप लस्सी? ये जी मैं परमेश्वर तो डर के कह रहा कि जो लुधियाने में कितने भी लस्सी नहीं सी उदो असी चाटी की लस्सी असी शुरू की है। हाँ जी, हाँ जी, सन 2002 तो शुरू करी सी जी लस्सी। हाँ जी, मैं सवेरे 4:30 बजे उठ खड़ी था जी, तो मैं कम अपने काम लग जाता, तो बेटा मेरा दुध लेके आता और मिस जी मेरी दुध में काढ़ते हैं लक्कड़ पाथियों के उत्ते, और उस तो बाद फिर खट्टा ला के असी दही जमाने, दही जमाण तो बाद सवेरे उठ के असी इनू रिड़कते हैं और बाकी लस्सी बजती है जी। ये मैं देख रहा जी यार लस्सी का रंग बिल्कुल ही काढ़ काढ़ के बिल्कुल ब्राउन हो चुका है जी, थोड़ा गुलाबी हो जाता जी, ता ही स्वाद लगती है जी। ये फायदे बहुत ने जी, ये थोड़े पेट के गर्मी नहीं पैन दी, और जे किसी कई बार पीलिया हो जाता तो वो डॉक्टर भी दसदा भी जी अगर तुम्हें चाटी की लस्सी मिलती है वो दवाई खावो। ये मसाला सा स्पैशली बनाया होंगे, ये असं जीरा भुन रहे हैं और ये जवैन पाई दी है, काली मिर्चा पाई दी है और काला नमक पाई दा है। बहुत ही टेस्टी, हल्की सी खटास है, हम अगर पंजाबी में बोले ठंड पै गई दिल लो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, लस्सी चौंग में, बिट्टू लस्सी वाला पे। इनकी दुकान सिचुएटेड है, जो इनका लोकेशन है दुकान की वो है, अगर आप लक्कड़ बाजार से लुधियाना में आए सुभानी बिल्डिंग की तरफ तो बीच में जो चौक पड़ता है वो लस्सी चौक के नाम से जाना जाता है, वो लस्सी चौक की दुकान की वजह से जाना जाता है। आइए टेस्ट चेक करते हैं कैसी है इनकी क्रीमी मीठी लस्सी। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, 2 चम्मच मलाई के साथ ये है क्रीमी लस्सी। ये लगाई स्पून, दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट मीठा पंजाबी जो लस्सी है जिसको बोलते हैं हम, प्रॉपर वही लस्सी है। प्रॉपर क्रीमी, जैसे क्रीमी डोर घोल के डाल दी गई हो और ऊपर से बहुत सारी मिलाई। लोगों की राय लेते हैं कैसे है इनकी लस्सी। हमारे साथ हैं सर, अपना नाम दस दो जी। मेरा नाम बजत्र सिंह है जी। सर कब तो आ रहे हो सर लस्सी पीना ना दी, कितने साल हो गए? कितने को 10 साल हो गए हमने सर। रेगुलर आ रहे हो, कितना दी है सर लस्सी ना दी? बढ़िया जी, स्वाद बहुत स्वाद है जी। बाजार आई है फिर पी के जाइए। अच्छा जी ठीक। तो नाम? नाम अर्जुन कुमार है जी। आप यहाँ पर रेगुलर लस्सी पीने आते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कितने साल से पी रहे हैं? 7-8 साल यहाँ पर काम करते हो गए, जब आता हूँ इधर लस्सी पी के जाता हूँ। ठीक है, और कैसी है इनकी लस्सी? लस्सी बहुत शानदार है जी, यहाँ का लस्सी बहुत शानदार है। ठीक है, धन्यवाद जी बहुत। तो लुधियाना की बेस्ट लस्सी ढूंढते ढूंढते आज अब पहुँच चुके हैं लुधियाना में, ओल्ड लुधियाना में। तो मेरे साथ है प्रशांत भाई। हेलो गाइस। तो अब हम पहुँच चुके हैं ओल्ड लुधियाना में मालीगंज चौक पे, सिचुएटेड है दिलीपा पूरी। ये अपनी पूरी के लिए तो मशहूर है ही, साथ में लस्सी के लिए बहुत मशहूर है। दोस्तों टेस्ट चेक करते हैं, लुक एट दिस गाइस, आप मलाई की क्वांटिटी देखिए ऊपर, क्या बात है जी, क्या बात है। पहले मैं मलाई थोड़ी साइड पे करके पहले सिर्फ लस्सी टेस्ट करके देखता हूँ। प्योर हेवन, प्योर हेवन, क्या बात है जी। और सबसे ऊपर है मलाई और ये है सोने पे सुहागा। तो गाइस ये लस्सी टेस्ट करने के बाद
मैं ये कह सकता हूँ द बेस्ट लस्सी इन लुधियाना इज। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हकीकत स्वीट्स पे, ये डंडी स्वामी रोड पर सिचुएटेड है इनकी शॉप, और वैसे तो ये अपनी पूरी के लिए बहुत मशहूर है, पर आज हम टेस्ट चेक करने आए हैं इनकी लस्सी। चलते चलिए दोस्तों टेस्ट चेक करते हैं कैसे है इनकी मीठी लस्सी। तो दोस्तों आपको लोकेशन बता दूं, ये है डंडी स्वामी रोड और ये जा रही है DMC की तरफ, और बीचों बीच सिचुएटेड है हकीकत स्वीट्स। तो दोस्तों आइए टेस्ट चेक करते हैं। इट्स थिक, ऊपर से मलाई देखिए, क्या बात है जी, क्या बात है दोस्तों, मजा आ गया। ये तो इस तरह लग रही है जैसे दही में आपको चीनी गोटी दी गई हो, सिर्फ दही को बीट कर दिया गया, पानी डाला ही ना गया हो। इट्स सो थिक। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई कि लस्सी पीने के बाद हमें इतनी घनघोर नींद आई, घनघोर ही बोलेंगे ना यार, घनघोर नींद आई, बहुत ज़्यादा नींद आई, तो मैं और प्रशांत भाई घर जाकर सो गए। यस्टरडे बीइंग संडे, तो आज सुबह उठा हूँ तो रिव्यू करने के लिए। तो फर्स्टली मैं बात करूँगा जो हमारे अंकल जी हैं माल रोड वाले, जिन जो चाटी की लस्सी लगाते हैं, तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। द रीज़न बीइंग दैट के द लस्सी जिसको आप बटर मिल्क भी बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, तो उसका तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता सर, दैट विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ माई चार्ट। तो सेकेंडली बात करूँ मैं अगर दही वाली लस्सी की, तो दिलीपा इज़ द बेस्ट। गाइस आप जाइए एक बार ज़रूर टेस्ट करिए दिलीपा जी की लस्सी, हमें आपकी प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।